बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। प्रतापगढ़ से इस वक्त की बड़ी जानकारी है, शराब माफिया गुड्डू सिंह पर बड़ी कार्रवाई की गई है। 7 करोड़ की संपत्ति को सीज करने पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। एसपी की रिपोर्ट पर डीएम ने कार्रवाई के आदेश दिए हैं। गैंगस्टर और आबकारी एक्ट में इस मामले में कार्रवाई जारी है। कई थानों की पुलिस और राजस्व की टीम कार्रवाई में शामिल है। आपको बता दें कि जेल में बंद है हथिगवां इलाके का शराब माफिया गुड्डू सिंह, लेकिन अब संपत्तियों को सीज करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तकरीबन 7 करोड़ रुपए की संपत्ति है जिसको पुलिस और आबकारी विभाग के द्वारा सीज किया जा रहा है। तस्वीरें देखिए किस तरह से नोटिस लगा करके सीज करने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। 7 करोड़ की यह संपत्ति है जिसको सीज किया जा रहा है पुलिस और आबकारी विभाग के द्वारा। एसपी की रिपोर्ट के बाद डीएम ने इस पर कार्रवाई के आदेश दिए थे और अब राजस्व की टीम इस पूरे मामले पर कार्रवाई कर रही है। आपको बता दें कि शराब माफिया गुड्डू सिंह जो कि हथिगवां इलाके का रहने वाला है अभी फिलहाल जेल में है, लेकिन अब जो संपत्ति अवैध तरीके से बनाई गई 7 करोड़ की तकरीबन यह संपत्ति है जिसमें राजस्व की टीम अब इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है। कई थानों की पुलिस आबकारी और राजस्व की टीम मिलकर के इस पूरे मामले पर कार्रवाई कर रही है। तो एसपी की रिपोर्ट पर डीएम ने कार्रवाई के आदेश दिए थे और अब इस पर बड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसी पर बातचीत करते हैं प्रतापगढ़ से, हमारे साथ हमारे सहयोगी अजीत जुड़ रहे हैं। अजीत, अभी फिलहाल क्या जानकारी है, 7 करोड़ की संपत्ति को सीज करने की कार्रवाई जारी है? बिल्कुल, ये गुड्डू सिंह वही शराब माफिया है जो 2013 में सीओ जियाउल हत्याकांड में भी सीबीआई इनके ऊपर जांच पड़ताल की थी, इनको जेल भेजा गया था और लगातार ये इनका शराब का कारोबार कई प्रदेशों में फल फूल रहा है, लगातार आगे कई प्रदेशों में बढ़ रहा है जी। थोड़ा सा गुड्डू सिंह के बारे में भी हमारे दर्शकों के लिए बताएं, और अभी चूंकि ये जेल में बंद है कितनी संपत्ति है जिस पर ये कार्रवाई चल रही है, और अभी आगे भी क्या कुछ और संपत्ति है जिसको नोटिफाई किया गया है, अपडेट क्या है इस पूरे मामले में, इसको विस्तार पूर्वक बताएं अजीत। बिल्कुल, जिस तरीके से गुड्डू सिंह की संपत्ति है वो बलीपुर में है, कुंडा में है, लखनऊ में है और कई महानगरों में भी जो संपत्तियां है वो अकूत की संपत्ति है। गुड्डू सिंह ने शराब के माफिया पूरी तरीके से शराब की सप्लाई के बाद फैक्ट्री लगाने के बाद इन्होंने काफी संपत्ति जो है जिसमें चल अचल संपत्ति काफी संपत्तियां हैं। अजीत, लगभग कितने करोड़ की संपत्ति होंगी जिसको सीज किया जा रहा है और कितने थानों की जो पुलिस है वो इस कार्य में लगी हुई है, इसको भी अपडेट करें अजीत। बिल्कुल, जो अपर पुलिस अधीक्षक रोहित मिश्रा हैं उनके साथ कुंडा हथगवां और मानिकपुर कई थानों की फोर्स जो है उनके साथ जाके स्वाट टीम की टीम और पूरी तरीके से ये 7 करोड़ की संपत्ति है जिसे जब्त किया जा रहा है, सील किया जा रहा है, उस पे आगे भी कार्रवाई ताबड़तोड़ कई जिलों में भी होगी, लखनऊ महानगर में भी होगी जी। चलिए अजीत, बहुत शुक्रिया फिलहाल इस बातचीत और जानकारी के लिए।